हेलो हेलो, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, ये पब्लिक है सब जानती है। हमारा कार्यवाहक पहुंचा है सोनभद्र जिले में और सोनभद्र जिले की ये रॉबर्टगंज विधानसभा क्षेत्र है। आपको बताएं कि ये जो पूरा इलाका है, दरअसल ये सीमावर्ती इलाका है और चार राज्यों की सीमा यहाँ से मिलती है। छत्तीसगढ़ से सीमा यहाँ मिलती है, झारखंड की सीमा यहाँ लगती है, उत्तर MP की सीमा यहाँ लगती है, बिहार की सीमा यहाँ लगती है। तो ये एक ऐसा इलाका है जो सीमावर्ती इलाका है और आपको बात करें कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खनन का काम होता था और खनन पिछले 5 सालों की अगर बात की जाए तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो मंत्रालय अपने पास रखा हुआ था और 2017 में यहाँ से BJP के भूपेश चौबे जीतकर आए थे और उससे पहले भी सपा के यहाँ पर विधायक रहे हैं और बसपा के विधायक भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर तीनों पार्टियों में यहाँ पर फाइट रहती है, लेकिन इस बार की हम बात करेंगे कि क्या इस क्षेत्र में पिछले 5 सालों में विकास कर रहे हुए कि नहीं हुए, क्योंकि पब्लिक है सब जानती है, जनता से जानेंगे कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ काम हुए हैं या नहीं हुए हैं और इस क्षेत्र की समस्या क्या रही है पिछले 5 सालों में, क्या सरकार उनको दूर करने में कामयाब हो पाई कि नहीं हुई। कुछ जनता यहाँ पर आई है, युवा भी हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं, यहाँ पर सभी से बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि पिछले 5 सालों में क्या वाकई में कुछ विकास कर रहे हुए कि नहीं हुआ है। भैया, आपसे बात करना चाहूँगा, ये बताइए कि चुनाव आने वाले हैं, वोटिंग आप लोग करेंगे, मुद्दे क्या रहने वाले चुनावों में इस बार आप लोगों के? सिर्फ विकास, विकास पे कोई काम नहीं हो पाया है सोनभद्र में। जो भी हुआ है पूर्व में हुआ है, इस 5 साल में गिट्टी बालू जो 2000 रुपये में हम लोगों को मिलती थी, हम लोग छोटा छोटा अपना घर बना लेते थे, आज के डेट में 7000-8000 रुपया घर तो एक ही बार बनता है ना, 10 बार थोड़ी बनता है। बना ही नहीं है ना अभी तक, हम लोग कच्चे में ही रहते हैं। उम्मीद था कि सस्ता, लेकिन आपकी वेशभूषा देख के लगता है कच्चे मकान में रहते होंगे, कच्चे टाइप के हम देख लीजिए ना, एकदम लोअर में हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि 5 साल में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? जी, एकदम विकास कार्य एकदम बंद रहा। तो भैया, विकास कार्य कुछ नहीं हुआ 5 साल में? विकास कार्य यही हुआ कि आप देख लीजिए, अभी माननीय योगी जी आए थे, इन्होंने एक महाविद्यालय का, कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन किया, जो कि 2016 में ही जब अखिलेश जी की सरकार थी उन्होंने उद्घाटन किया था। और आज वर्तमान में जिस दिन माननीय योगी जी ने उद्घाटन किया, आज वर्तमान में उस समय 700 लड़कियाँ उसमें पढ़ रही हैं और 2016 से ही वो चालू है स्कूल और ये लोग उसका उद्घाटन कर दिए। यहाँ पे रैन बसेरा बना हुआ है दो सपा सरकार में, उसका भी माननीय विधायक अविनाश कुशवाहा और अखिलेश जी का पूर्व मुख्यमंत्री का बोर्ड लगा हो, तो उस बोर्ड कह रहे हैं कि 2012-17 तक जो अखिलेश जी सरकार थी उन्होंने विकास कार्य किए थे, वही उसके बाद कुछ उस बोर्ड को तोड़कर अपना बोर्ड लगाने का काम किया जा रहा है। आप जाके भी यही बस स्टैंड पर, सरकारी बस स्टैंड पर देख सकते हैं, जो पुराना बोर्ड लगा हुआ था उसको टीन से पैक कर दिया गया और पैक करने के बाद उसके बाहर वर्तमान सरकार का कहना है कि जो 2012-17 तक काम हुए थे वही काम हुए हैं, क्योंकि सही बात कह रहे हैं कि 2012-17 जो काम हुए वही काम हुए, उसके बाद सरकार ने कुछ काम ही नहीं किए। सच्चाई आपके सामने फ्लाईओवर के रूप में दिखाई पड़ रही है और निश्चित रूप से किसी के फ्लाईओवर कब बनाइए, ये पिछले सपा सरकार में बना है और हमको, हम तो भाई आप लोगों से ज़्यादा नहीं घूमे टहले हैं, लेकिन आप लोग जरूर देखे होंगे, शायद इंटरनेट पर भी ढूंढने पर ऐसा फ्लाईओवर देखने को नहीं मिलता है। तो जिस प्रकार की व्यवस्था है और जिस प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, हम समझ सकते हैं पिछली सरकारों में क्या हुआ है। और अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो यह आकांक्षी जनपद में इसका नाम डाला गया, जबकि यह जनपद सर्वाधिक राजस्व देने वाले जनपदों में से एक प्रमुख। खनन बहुत 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 संख्या में, बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में। जी, खनन एक बड़ी व्यवस्था है और अभी तक की खनन की व्यवस्था जिस प्रकार की रही है यह जनपद पूरी तरह से। लेकिन खनन की अगर मैं बात करूं तो पहले ये कहा जाता था खनन माफिया यहाँ खूब हुआ करता था और अवैध खनन यहाँ पे खूब हुआ करता था, उस पर तो रोक लगा दी सरकार ने। बिल्कुल, आज पारदर्शिता के साथ खनन की व्यवस्था चल रही है। निश्चित रूप से कुछ अच्छा करने के लिए कठिनाइयाँ भी आती हैं और परिस्थितियों में सुधार हुआ है। जिस प्रकार की व्यवस्था थी, यहीं टोल प्लाजा और बैरियर पे अवैध वसूलियाँ हुआ करती थी, यहीं रुक गई हैं और परिवर्तन है। मैं कहा ना, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत सुधार है, बहुत अंतर है और व्यवस्थाएं पारदर्शी हुई हैं। पब्लिक है सब जानती है, बता रही है कि कुछ व्यवस्था बदलने के लिए थोड़ी सी व्यवस्था दुरुस्त करनी भी जरूरी है। भाई साहब, जैसे बता रहे हैं कि पारदर्शिता यहाँ पर पहले से आई है, क्या वाकई में लगता है कि सरकार के काम काज में पारदर्शिता आई है? बिल्कुल सही है, आई हुई है, जो पारदर्शिता आया है। और हम तो जानते हैं कि जिस तरह से काम हुआ है हमारे सोनभद्र का, वो हिसाब से जो है दूसरी सरकार ने काम नहीं किया है।
दूसरे सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन ये जो इधर खड़े हैं ये तो कह रहे हैं कि 2012 से 17 में जो काम हुए थे वही काम हुए थे। नहीं नहीं, जब सिर्फ फीता काटा आप लोगों ने। अरे नहीं, ऐसा झूठ बोल रहे हैं लोग, इस तरह का काम कर इस सब के बहलाने वाला काम। शिलान्यास का बोर्ड लगाया गया था, काम तो कुछ हुआ नहीं था, काम तो अब हुआ है ना, तो फीता तो हम ही ना काटेंगे भाई साहब। ये कह रहे हैं सिर्फ शिलान्यास तो रख दिया था, पत्थर रख दिया था, लेकिन काम नहीं हुआ। रोडवेज में काम, रोडवेज का सुंदरीकरण, रोडवेज का सब कुछ काम सपा की सरकार में माननीय विधायक जी ने किया था, सपा सरकार में। केवल भाजपा के विधायक जी जाके फीता काट दिया, उनका उद्घाटन हो गया, यही विकास है। लेकिन जनता ने चुना नहीं था ना आपको, जो आप लोगों सिर्फ स्टैब्लिश किया, पत्थर गाड़ दिए, काम कुछ किया नहीं था, सरकार ने फिर जनता ने उनको हटा दिया। काम हुआ था, काम हुआ तो जनता ने क्यों हटा दिया था उसका फोटो? जनता ने क्यों हटा दिया 17 में? जनता ने भाजपा के झूठ के चक्कर में पड़ के हटा दिया। 15 लाख मिलेगा, 15 लाख किसी को मिला? आपको मिला? आपको खाते में 15 लाख आए? ये हुआ था ब्लैक मनी। अगर जितने आएंगे जो बाहर, ब्लैक मनी आई क्या? आया ब्लैक मनी? एक मिनट, ब्लैक मनी जो लोगों के छापा पड़ रहे हैं आपको, वो ब्लैक मनी का है? ब्लैक मनी है वो, कैसा है क्या है वो? तो लोग दबाए हुए पैसे ना दबाए। डाटा के थोड़ा मैं समय लूंगा आपका, एक मिनट, मैं डाटा से बनाऊंगा। पिछली सरकार और इस सरकार में अगर जो है वो शौचालय जो है 5 गुना बना है पिछली बार से, 12 से 17 में और 17 से लेकर 22 तक में, पिछली सरकार से 5 गुना ज़्यादा जो है शौचालय बना है, 7 गुना ज़्यादा जो है मकान बने हैं, 3 गुना ज़्यादा सुनिए सर, 3 गुना ज़्यादा रोड बनी हुई है, और विकास जो है इसमें ज़्यादा हुआ है। रही बात रोजगार की, जो बात होती है रोजगार के लिए, पहले आपका कहना है कि पहले के मुकाबले अभी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। दूसरा क्यों भैया, बहुत ज़्यादा काम हुआ है पहले के मुकाबले? नहीं, विकास हुआ है। क्या विकास का आपको लगता है कि यहाँ सरकार? जिले के जितने भी आदिवासी एरिया हैं, हर जगह, हर दूर दराज के गाँवों में सबको शौचालय दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिस प्रशासन है उस पर काम हुआ है। हाँ, ये है कि व्यवस्था पहले से ठीक हुई है। हाँ, कानून व्यवस्था ठीक हुई है, गरीबों को राशन फ्री मिल रहा है जिसकी चर्चा है। राशन मिलता है? जी जी मिलता है, राशन मिल रहा है। जी जी, तो योगी सरकार तो कह रही है कि हम राशन दे रहे हैं, उससे कुछ फायदा मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता राशन, ठीक ठाक राशन मिल ही रहा है, मिल रहा है। हाँ, और क्या सही हुआ है पिछले 5 सालों में या कुछ नहीं हुआ कुछ काम का? जैसे सब सरकार चलती थी वैसे ये भी चल रही है। अच्छा, राशन मिल रहा है, सिर्फ राशन मिल रहा है। कानून व्यवस्था कैसी रही है? राशन अखिलेश के जमाने में मिलता था, इसमें भी मिल रहा है, सब लोग राशन बांटते हैं। हाँ, राशन तो पहले भी मिलता था, राशन अभी फ्री राशन, फ्री राशन, ये राशन फ्री मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। देखिए, फ्री राशन मिल रहा है और पब्लिक है, लगातार हम बात कर रहे हैं उनसे। भैया आप बताओ, कानून व्यवस्था कैसी रही पिछले 5 सालों में? ये क्योंकि सरकार तो बहुत दावा कर रही है कि जो गुंडे माफिया थे सबको ठिकाने लगा दिया है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। माफिया तो अभी भी हैं, गुंडे माफिया तो अभी भी हैं। क्या गुंडे माफिया नहीं है? लेकिन कोई कार्रवाई, कोई ऐसी घटना तो सामने नहीं आती ना, बहन बेटियां आराम से घूम जाती हैं 11 बजे आती, क्यों नहीं सब अंदर कर दियो? ये अभी भैया बोले हैं कि 12,000 रुपया का लाइटनिंग सबको मिलता है, यहाँ अमीरों को 1,00,000 की लैट्रिन बनी हुई है, 1,00,000 की लैट्रिन बनी हुई है। सरकार ने जो योजनाएं दी थी उसके तहत लोगों को मिला है ना वो सोशल। 12,000 में क्या होगा? सही से मिस्त्री का प्लस्तर नहीं हो रहा, आजकल मिस्त्री 500 रुपए ले रहे हैं, 600 रुपए ले रहे हैं। इसमें युवाओं को वैकेंसी भी योगी जी ने बोला था उससे रद्द भी कर दिया। वो उसका क्या हाल है बताइए जरा, रोजगार वगैरह कुछ है इधर नहीं है? युवाओं सब बोले थे कि योगी जी झूठे वादा किए थे कि वैकेंसी मिलेगा, अभी लैपटॉप भी बोले थे कि मिलेगा, वो भी नहीं मिला। लेकिन वो तो सिर्फ उन्होंने ये कहा ना कि जो ग्रेजुएशन के छात्र हैं उनको देंगे, सैनिक को बता रहा हूँ मैं कि उनको भी नहीं मिला। झूठी वादा करती है ये सरकार, या दो दो हत्या हो गई, रेणुकूट चेयरमैन चौपन, एक सुरेश यादव की उम्भा कांड की भी इसी सरकार में हुई है। तो मतलब आपका कहना है कि जो योगी आदित्यनाथ युवा है, अखिलेश जी की सरकार में हम लोग को लैपटॉप मिला था, रोजगार चाहिए, लोग उन्हीं के साथ हैं। युवा रोजगार यहाँ पर नहीं है, नहीं है। लेकिन योगी तो कह रहे हैं कि 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दे दी उन्होंने? नहीं दिए सर, हम लोग को मिला ही नहीं था, हम लोग रोड पे घूम रहे। देखिए, आप परीक्षा में पास नहीं कर पाए? पास हुए तभी ना घूम रहे, कई तो लड़के हैं यहाँ पे। जो परीक्षा का पेपर, जो क्या कहते हैं एग्जाम होता था नौकरियों का, वैकेंसी का, उसमें क्लियर नहीं किया होगा आपने? मेरा सब क्लियर नहीं मिला ही नहीं है। हजारों लाखों छात्र भर्ती उसमें पेपर देते हैं, सबको नौकरी नहीं मिलती ना? जी जी, मतलब वैकेंसी होती है सर, हम लोग को मिला नहीं तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? आपका नंबर नहीं आया? हाँ, हम लोग को मिला नहीं तो हम लोग यहाँ पे। हमारे कहने का, जैसे आपने वैकेंसीज की बात की, आज ये सरकार कह रही है कि हम इतनी वैकेंसी, 70 लाख का उन्होंने वादा किया था
वो अगर सरकारी नौकरी की निचली वैकेंसी होती है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश पूरा घूम रहा हूँ, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी 10 में से एक जाने को मिलती है? नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, मिलना मिलती है। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही? जो नौकरी मिलने ना मिलने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने 70 लाख का वादा, 70 लाख का वादा किया था, आप जान रहे हैं। आज वो कह रहे हैं मैं 4 लाख दिया, 6-6 लाख नौकरी, 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी है, 70 लाख में बाकी जो प्राइवेट नौकरी अभी तो गिनी जाएंगी। नहीं तो प्राइवेट उन्हें आंकड़ा देना चाहिए, हमने इतना दिया, उन्होंने 4 लाख का ही आंकड़ा दिया, 6-6 लाख नौकरियां कहाँ गई? उसके बाद जो 11 लाख रिक्त पदों को भरने की बात कर रहे हैं, आखिर 5 साल उन्होंने ऐसा क्या किया कि 11 लाख रिक्त पदों को नहीं भर पाए? भाई 11 लाख का रिक्त पद है तो 5 साल की इनकी सरकार, पूर्व बहुमत सरकार। लेकिन अभी अभी क्या है कि सारी पार्टियां अभी वादा कर रही हैं कि जो रिक्त पद भरे जाएंगे, अभी तक कहां थी पार्टी? शिक्षा का इस सरकार में बहुत विकास हुआ, जो नकल विरोधी कानून ये सरकार लागू किया, जो नकल करके पास हो जाते थे, गरीबों का पक्का मकान बन रहा है, पैखाना बन रहा है, गल्ला मिल रहा है, क्या कमी है इस सरकार में? कुछ कमी नहीं है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है गल्ला में, सब कुछ मिल रहा है। हम योगी जी से बहुत खुश हैं, हम लखनऊ के रहने वाले हैं, बीजेपी विधानसभा, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं कि हमारे लिए योगी जी ने बहुत कुछ दिया, हमको मकान मिला है, आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास, राशन मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं। और हम ये लोग खुश हैं, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, यहाँ बैठे हुए हैं कुछ लोग, इन लोगों से ही बात करते हैं, क्योंकि यूपी में पान की दुकान पर चर्चा होती है, शायद उतनी चर्चा कहीं नहीं होती है, या तो चाय की टपरी पे, पान की दुकान पे। ये बताइए कि सरकार ने इस क्षेत्र के लिए कुछ, आपको लगता है कि कॉन्क्रीट काम किया है कुछ? विकास तो निरंतर हो रहा है, हर सरकार में होता है, इसमें भी हो रहा है, सुरक्षा है, सरकार अच्छी चल रही है। क्यों भैया, सरकार ठीक चल रही है? नहीं, सरकार ठीक नहीं चल रही। काहे? हमारे गांव में जो पुरानी सड़क है अखिलेश के जमाने को, गड्ढा कुल गड्ढा उखड़, सड़क नहीं बनाई, नहीं बनी है सड़क। अच्छा, और क्या बिजली बिजली आती है गांव में? नहीं, बिजली तो अखिलेश के जमाने से ही आ रही है, उतना यहाँ मिल रही है। अभी 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 नहीं आ रही? नहीं, आ रही है बिजली, अच्छी आ रही है, पहले से ज्यादा? नहीं, उतना आ रही है, उतना। और पानी की क्या स्थिति है? पानी तो की स्थिति है कि हम लोग बोर कराए हैं, उसी से खेती करते हैं। नल से पानी नहीं आया? नहीं नहीं, ये नल क्षेत्र है इसलिए यहाँ पर पानी का थोड़ा सा अभाव है, है ना? अभी ये सरकार तो अभी पीछे एक योजना लेके आई थी, हर घर नल से जल, वो तो चल रहा है काम, लेकिन लाइनें तो बिछी नहीं है अभी तक। नहीं, वो तो धीरे धीरे बिछेगा ना, तुरंत तो कोई काम होगा नहीं। 3 साल पहले योजना लेके आए थे? हाँ, तो 3 साल में लाइन भी नहीं बिछा पाया? नहीं नहीं, बहुत जगह तो हो गया है। बहुत जगह भैया पानी, क्या पानी लाइन वाला? नहीं, पानी अभी लाइन बिछा नहीं है पूरा। कि 3 साल पहले योगी जी ने यहाँ पर आए थे तो ये वादा किया था कि जो घरों में नल से जल दे देंगे। नहीं, उसका अभी कुछ नहीं हो रहा है, उसका अभी कुछ होना है। और जो पिछले सरकार में यहाँ पे अखिलेश के समय में जो पाइप बिछा है वही बिछ रहा था, वही बिछा, उसके बाद काम नहीं। नहीं, पब्लिक है, सब जानती है, कह रही है कि अखिलेश यादव की सरकार में जो पाइपलाइन यहाँ पड़ी थी पानी की, वो वैसी की वैसी पड़ी है, पानी अभी तक नहीं आया है। क्यों भैया, आपसे और भी यहाँ पर तमाम बुजुर्ग बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, इन सब से बात करेंगे। अच्छा चलिए, आपसे बात करते हैं, ये बताइए कि 5 सालों में सरकार ने कुछ विकास कार्य किए कि नहीं किए? बहुत कार्य किया है, बहुत कार्य हुआ है, बहुत कार्य, जैसे कि थोड़ा बताइए जरा जनता को। अरे क्या नहीं हुआ है, बिजली 24 घंटे दे रही है, इससे अच्छा आप क्या चाहिए? बिजली आ रही है तब, क्योंकि बिजली तो यहाँ आसपास का बनती भी काफी है। अब बनती भी है, लेकिन इसके पहले की सरकार नहीं दे पाती थी, अब दे रही है। लेकिन एक बात बताइए, चलिए सोनभद्र की इस जगह पर बिजली आ रही है, कुछ जगह है जहाँ ऐसी एरिया है वहाँ जाना संभव अभी नहीं हुआ है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है संभव नहीं? 99% बिजली गाँव में पहुँच चुकी, लेकिन आपको लगता नहीं की ये बहुत दुर्भाग्य की बात है की 75 आते रहते हैं जो देहात? ये एक्सक्यूज अच्छे नहीं है, समझ में आते। बाबा आप बताइए, आपने मेरा भारत महान लिखा हुआ है, सोनभद्र महान हुआ गया नहीं हुआ पिछले 5 सालों में? सोनभद्र तो बहुत महान है ही है बाबा, पूरा जो है भारतवर्ष में यहाँ से कोयला बिजली गिट्टी बालू सब यहीं से न जा रहा है। सोनभद्र सोने की चिड़िया है, इसीलिए सोनभद्र नाम, इसका सोनभद्र नाम। अच्छा ये बताओ बाबा कि चूंकि यहाँ पे खनन बहुत ज्यादा होता था, अभी भी होता, खनन का ही काम होता है, बालू का है, गिट्टी का है, पहले बताते कि बहुत माफिया हुआ करते थे, आज भी है बाबा? आज भी माफिया सब ढो रहे हैं, बालू गिट्टी सब ले जाकर डंप कर रहे हैं, कोई नियंत्रण नहीं है। जबकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके पास ये मंत्रालय है, योगी खनन मंत्रालय। अब देखिए वो बहुत मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों के संदिग्ध में वहाँ हम लोग नहीं पहुँच सकते,
लेकिन सोनभद्र का खनन जो है बहुत व्यापक रूप से चल रहा है, पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो रुकना चाहिए नियंत्रण उस पर लगना रुकना चाहिए, नहीं रुक रहा है। क्या भैया ये जो कह रहे हैं कि नियंत्रण नहीं है, खनन माफिया आज भी काम कर रहा है, तो क्या वाकई में उससे नुकसान है यहाँ के लोगों को? नहीं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सब लोग नहीं कह पाएंगे बाबा ना, हाँ सब लोग नहीं कह पाएंगे, डरते हैं, क्या करेंगे, तो नहीं कर असलियत क्या है, सब लोग बैठे हैं, पूछिए है। कि 10,000 आदमी पूरा जो है रात दिन ले जा करके जो अनारस बनारस यहाँ सब दम कर रहे हैं, और यहाँ के मूल जो निवासी हैं उनको जो है एक छटाक बालू ने गिट्टी कुछ नहीं मिल रहा है। और जो 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 लेबर काम करती है वो कहाँ से, बाहर से आती है, यहीं के लोग काम करते हैं? आदि सब दिया रहे हैं सब, यहाँ लेबरों को, यहाँ के लोगों को लेबर नहीं मिल पा रही है? नहीं, लेबर यहाँ है, उनको काम ही नहीं दे रहे हैं सब। ये आम जनता है क्षेत्र की बता रही है कि जो खनन माफिया पहले भी काम करता था वो अभी भी काम कर रहा है। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए इनसे किया क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ही खनन मंत्रालय है, ऐसे में वो भी ज़्यादा लगाम नहीं लगा पाए हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, कानून व्यवस्था कैसी रही है पिछले 5 साल? कानून व्यवस्था बढ़िया थी। क्या आपको लगा कि बदलाव हो गया कानून व्यवस्था में? क्या बदलाव नजर आया? घटा है, गुंडा राज खत्म हुआ है। जो बिजली यहाँ की पहले सफाई चली जाती थी वो पूरे जनपद को मिल रही है, 24 घंटे उपलब्ध है। तो विकास तो हुआ है, शौचालय बना है, आवास बना है, तमाम विकास हुए, आवास बना है। और भी लोगों से बात करेंगे, थोड़ा भैया उधर को ये जरा, हम और लोगों से बात करते हैं इधर। आप बताइए कि बिजली पानी जो मूलभूत समस्याएँ होती हैं, सड़कें हो गई, शिक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ की, स्कूल कॉलेज वगैरह ठीक है? देखिए शिक्षा व्यवस्था और जो विकास के जितने भी मानक हैं, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, आवास हो, सारे विषयों पे भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने एक अभूतपूर्व काम किया है। आज आपको उत्तर प्रदेश के हर जनपद सोनभद्र के हर गांव में अगर आप देखेंगे कि सबसे अच्छी चमचमाती जो क्या नाम बिल्डिंग होगी, तो आप समझ सकते हैं कि वो गांव का विद्यालय होगा। विद्यालयों में अध्यापकों की भी संख्या, आपको बता दूँ कि कुछ गाँव ऐसे भी हैं जिन विद्यालयों में बिजली तक नहीं है अभी भी। बिजली नहीं आती, कैसा विकास? बिजली उन्हीं गांवों में नहीं आती जहां बिजली को 12 साल से लाइन खींची हुई है वहां पे। सुनिए मैं बता देता हूं, लाइन खींची हुई है 12 साल से, खंबे लगे हुए हैं, तारे खींची हुई है, लेकिन बिजली नहीं पहुंची आज तक। ऐसा कोई गांव जनपद सोनभद्र में हम लोग, मैं बता देता हूँ, ओबराव चली है यहाँ से 20 किलोमीटर आगे, क्षेत्रों में भौगोलिक दृष्टि से जो खराब जगह है, एक्सक्यूज देना बड़ा आसान होता है, एक्सक्यूज देना बड़ा आसान होता है भाई, अपोज करना भी हमको लगता है कि आसान होता है, किसी पे आप आरोपित कर दें। देखिए सरकार इतना ढिंढोरा पीट रही है कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन दुख होता है कि जब उन गांवों में पानी नहीं है वो आज भी नदी का पानी पीने को मजबूर है। नहीं, निश्चित तौर पे ये उत्तर प्रदेश का और भारत का दुर्भाग्य रहा कि पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं वो विकास को अपने, इस साल की 5 साल की बात की ना, पिछले 5 सालों में हमको लगता है सरकार को ये नहीं दिखा कि बिजली आ रही है, लोग पानी पी, समाज के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। ये तो अभूतपूर्व गिना रहे हैं क्या, अब लगता है कि वाकई में अभूतपूर्व काम हुए हैं? देखिए सच्चाई ये है कि जनपद सोनभद्र हमारा अति पिछड़ा जिला रहा है, यहाँ पर आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ पर जितने भी अब तक चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, लेकिन विकास के नाम पर देखा जाए यहाँ पर सिर्फ शोषा के सिवा और कुछ नहीं रहा है। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी है, मान्या बहन जिन्हें मुख्यमंत्री जब बना है, तो सबसे बड़ा अजूबा काम उन्होंने किया, क्या किया, पटवत से बसुहारी तक जहाँ जंगल के लोग आवागमन में 60 किलोमीटर तक उन्हें पाँव पैदल आना पड़ता था, बना दी उनके लिए, उनके लिए पहली बार उन्होंने रोड किया, जंगलों में उन्होंने रोड का जाल बिछाया, यहाँ तक गाँव में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सबसे पहले अगर विकास का कोई अगर इंतजाम किया है तो मानिया बहन जी ने अम्बेडकर नगर गांव घोषित करके वहां पर पक्का मकान बनवाने का काम किया है। ये बीएसपी के समर्थक हैं और ये कह रहे हैं कि सिर्फ बहन जी ने यहां पर काम किया है, तो ये पब्लिक है, सब जानती है, और हमने जाना है यहाँ से जनता से कि किस तरीके से पिछले 5 सालों में सोनभद्र के जिले में अलग अलग विधानसभाओं में काम हुआ है। क्या नाम है? दिनेश दिवांगर के साथ जितेंद्र चौहान, इंडिया टीवी, सोनभद्र।